ग्रामीण क्षेत्रों में बने तालाबों के द्वारा सरकार ग्रामीण जनता के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जा रही है। मुरादाबाद के कार्ट रोड स्थित विकास भवन कार्यालय पर मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा बताया गया कि जनपद मुरादाबाद में सरकारी तालाबों में मछली पालन, सिंघाड़ा खेती और मोती पालन के लिए योजना चलाई जा रही है। जो किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो विकास भवन पर आकर संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बने तालाबों में मछली पालन के साथ साथ मोती पालन और सिंघाड़े की खेती के लिए सरकार सब्सिडी देने जा रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा जो परिवार रोजगार से वंचित थे। उन सभी परिवारों को सरकार जल्द से जल्द रोजगार दिलाने जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि हमको हमारे जो प्रत्येक अमृत सरोवर है जो लगभग अब तक 135 के अराउंड कंप्लीट हो गए हैं, उसके साथ साथ एक वाटर शेड मैनेजमेंट कंपोनेंट के अंदर भी 50 से 60 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि इन सभी तालाबों के अंतर्गत हमें ये प्रयास करना है कि इनमें हम लोग मछली पालन कराएं, साथ साथ सिंघाड़े की खेती या फिर मोती की खेती पर भी विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसमें हमें जो समूह की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा इन अमृत सरोवर को गोद लिया जाएगा और उनको ही उनके द्वारा ही इनके अंतर्गत सिंघाड़े की खेती या मछली पालन का कार्य किया जाएगा। उसकी जो आमदनी होगी उससे महिलाओं को जो है उनकी इनकम में आय में वृद्धि होगी और उनको एक लखपति दीदी बनाने की ओर ये कदम उठाया जा रहा है।